कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है और उसके बाद 10 जनपद पर एक बार तस्वीरें यहां पर देखें कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े और उसके साथ में मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी पिछले महीनों से वो संसद से बाहर थे, पार्लियामेंट का चलता था, लेकिन बाहर से लगातार सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, कुनीतियां हैं, उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन संसद में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी कोर्ट के एक आदेश के बाद, उनको सजा मैक्सिमम गई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी। जहां तमाम जो करता है यहां पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, तरीके से यहां पर लोग खुशी मना रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतराज गहलोत है, मैं झालावाड़ से हूं। कितने खुशी है? बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में, न्यायपालिका पे मैं विश्वास जताना चाहिए। अच्छा, ये बताया कि सदस्यता बहाल हुई है तो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश हुआ होगा? बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है, हम चाहते हैं आने वाला प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? ये सत्य की जीत हुई है मोदी सरकार की जो तानाशाही के खिलाफ। एक चीज बताइए कि राहुल गांधी अभी पार्लियामेंट नहीं जा सकते थे तो मनोबल तो गिरा रहा होगा कार्यकर्ताओं का? नहीं, मनोबल नहीं गिरा, थोड़े निराश थे, लेकिन आज वापस नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हम राहुल जी के साथ है, राहुल जी में भावी प्रधानमंत्री का देखते हैं। ठीक है, तो एक बार दिखाएं 10 जनपद की तस्वीरें सोनिया गांधी के घर के बाहर और ठीक पास में ही 24 अकबर रोड है, यानी कि कांग्रेस का मुख्यालय, और यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि बैनर्स के साथ हम तो कांग्रेस के घर का वो इकट्ठे हैं, तार जश्न का माहौल यहां पर। ये देखिए कि यहां पर लड्डू भी खिलाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, ये देखिए यहां पर किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, और इस तरीके से खुशी मनाई जा रही है कि जैसे किसी चुनाव में जीत मिली हो कांग्रेस को, उसी तरीके से कुछ खुशियां यहां पर मनाई जा रही है। झंडा और उसके साथ में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। किस तरीके से आप लोग जश्न मना रहे हैं? सर, झूठे का मोह हुआ कल का सच का बोल बोला। आदरणीय राहुल जी को आज जो सीजीआई सुप्रीम चंद्रचूड़ सिंह ने उनकी ईमानदार को देखते हुए आज वो क्रिंच चढ़ दिए। मोदी साहब के केंद्र की सरकार मुंह करा रहा तमाचा ही। आप तो मिठाई भी खिला रहे हैं? हाँ, मिठाई हम खिला रहे हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये देश की जनता को भरोसा है। ये बताया कि राहुल गांधी एक बार फिर पार्लियामेंट अब पहुंच रहे हैं तो कितनी खुशी है? राहुल गांधी इस बार पार्लियामेंट पहुंचेंगे और 2024 का चुनाव जीत कर भी। क्या कहना चाहेंगे? भारत के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत खुशी है कांग्रेस में इस चीज को लेकर के जो राहुल जी का फैसला है। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस तरीके का ऐतिहासिक फैसला देश के लिए दिया है। ऐतिहासिक फैसला और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये कहा था कि आखिर में मैक्सिमम सजा लोअर कोर्ट ने क्यों दी, जब इस मामले में 2 साल से कम की सजा भी सुनाई जा सकती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठने लगी थी कि राहुल गांधी की सदस्यता वो वापस दी जाए, बहाल की जाए। अभी तक राहुल गांधी को सरकारी आवास भी मिला हुआ था, तमाम वो सुविधाएं मिली हुई थी जो एक सांसद को मिलती है, लेकिन जैसे ही उनकी सदस्यता गई उसके बाद तमाम वो सुविधाएं उनके हाथ से छिन गई थी, यहां तक कि घर भी उनके पास में सरकारी नहीं था। लेकिन अब सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर उनको घर मिल जाएगा और इस तरीके की उम्मीद है, और पार्लियामेंट में अब वो अपनी आवाज, अपने पार्टी की आवाज, विपक्ष की आवाज उठा सकेंगे। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, ये बताए कि कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है और हमारे तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी साथी आज बड़े खुश हैं और हम तो खुशी खुश हैं। मनोबल तो बढ़ गया होगा? मनोबल बहुत बड़ा, आज जीत की सच्चाई की जीत हुई है। कितना मनोबल बढ़ गया? बहुत बढ़िया, पूरे देश में खुशी है, दूसरे पूरे देश के अंदर लहर है खुशी की, युवाओं के लिए बहुत खुशी की लहर है। सारे युवा साथी राहुल गांधी जी के साथ हैं, उनकी युवा टीम पूरी उनके साथ है। युवाओं के लिए कितनी खुशी है?
बहुत खुशी की बात है युवाओं के लिए कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को जो दोबारा से जंग लड़ाई जीतने के लिए जो मिली है, सच्चाई की जीत हुई और राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिली, इसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोस्टर और बैनर के साथ में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं, लगातार नारेबाजी भी चल रही है राहुल गांधी के सपोर्ट में, नारेबाजी। एक बार देखें कि यहाँ पर आतिशबाजी भी लगातार चल रही है। 10 जनपथ और 24 अकबर रोड की ये तस्वीरें, आतिशबाजी की यहाँ पर तस्वीरें कि यहाँ पर लगातार लोग जश्न मना रहे हैं, तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता वो गई थी, जब से वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते थे, तमाम कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, तमाम नेताओं में मायूसी थी, क्योंकि इस समय कम से कम राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, सबसे बड़े नेताओं में से एक के तौर पर देखे जाते हैं, और यही वजह है कि अब पार्लियामेंट में राहुल गांधी सरकार की नीतियों के खिलाफ तमाम वो आवाज उठा सकते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर 10 जनपद के बाहर की ये तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में एक जोश जुनून और जश्न का माहौल है, कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद के बाहर।